हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को आपका जो फोर्थ चैप्टर है ऑफ साइंस, ओके, आईटी सब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ योर एचएससी आईटी साइंस चैप्टर फोर्थ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसका मैं यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंस यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए क्या क्या मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, ठीक है। यू कैन से इट दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ओके, ठीक है, टू कम इन बोर्ड एग्जाम्स, ओके। मतलब बहुत सारा चांसेस होता है ये सब क्वेश्चंस आने के इसमें, जैसे कि यू नो इन योर एचएससी आईटी क्लास 12th यू हैव आंसर इन ब्रीफ सेक्शन, ठीक है ना। आंसर इन ब्रीफ होता है, उसमें एनी फाइव लिखना होता है, 2 मार्क्स ईच, ओके, हर एक 2 मार्क्स का होता है, ओके। सो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यू कैन से दे हैव गिवन यू 8 क्वेश्चंस, उसमें से 5 होते हैं 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। सो देखो, वो जो 2 मार्क्स का है, जाहिर सी बात है 6 चैप्टर्स है, ठीक है, तो उसमें से ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन बन सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। अभी देखो देखो, पहला क्वेश्चन है आईओटी क्या होता है वो पूछ सकते हैं, या फिर एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी यू कैन से, ओके, वॉट एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी, ये एक पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बैठता है आपको, ठीक है ना। सो ये हुआ, देन यू कैन से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, ऑफ दिस। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर आईओटी, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, पर ये दोनों क्वेश्चन यू कैन से एक ही क्लब होके आ सकता है, ओनली वन क्वेश्चन वो पूछ सकता है ऐसे एक क्वेश्चन, ठीक है। आईओटी एप्लीकेशन क्या होता है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, और इसमें देखो ये वाला जो इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट, विच एनेबल्स आईओटी दैट विच एनेबल्स थिंग्स टू कनेक्ट कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा, क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो इंटीग्रेशन फिजिकल वर्ल्ड जो है इनटू कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स, ओके, क्यू फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड ऑल, जो कि क्या करता है, मेनली रिड्यूस करता है ह्यूमन एफर्ट्स, ओके। तो ये है आपका आईओटी का, यू कैन से एक फिलअप के हिसाब से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो डिवाइसेस क्या हो, तो ये तो इतना नहीं पूछेंगे आपको इसमें, ओके, बट ये सब है एडवांटेजेस में दे कैन आस्क। नाउ द देखो यहाँ पे एप्लीकेशन दिया हुआ है आपको आंसर्स, तो ये आप कोई भी 4 2 मार्क्स के हिसाब से 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, तो आपको कम से कम 4 पॉइंट्स लिखना कंपलसरी है, ठीक है, और 5 लिखोगे तो भी वेल एंड गुड है, पर 4 तो लिखना पड़ेगा, हाफ ऑफ मार्क्स कैरी ईच पॉइंट, ठीक है। तो ये देखो ये सब है यहाँ पे। अभी मेन आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और उसके मॉडल्स क्या है, तो व्हाट इज यू कैन से क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मॉडल्स ऑफ इट, ठीक है, मॉडल्स ऑफ इट, या मतलब वही क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्लाउड कंप्यूटिंग दिया हुआ है, ओके, ये डायग्राम आप बना सकते हो, और ये देखो मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें भी IaaS आता है, SaaS आता है, ठीक है ना, PaaS आता है, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आता है, ठीक है, देखो सैस वाला मैंने बोला था, तो ये तीनों आता है, तो ये अच्छे से करना है आपको, ठीक है, विथ की फीचर्स एंड ऑल। तो इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि राइट ए नोट भी आ सकता है, ऐसे राइट ए नोट ऑन यू कैन से सैस, राइट ए नोट ऑन सैस, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में लिखना है, फिर उसका की फीचर्स वगैरह आपको लिखना है, ओके। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को पूरा देखिए, बिकॉज मैं इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बाइफर्केटेड क्वेश्चन भी, आइसोलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अभी एक और क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। देखो एक चैप्टर होने के लिए छोटा है, पर क्वेश्चंस देखो थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है आपका, नहीं तो हर एक चैप्टर में अभी तक का हम लोगों ने 5 से 6 क्वेश्चन देखे थे, पर यहाँ पे भी छोटा होते हुए 5 से 6 बनने वाला है। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में देखो पब्लिक क्लाउड के, देखो ये एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, जो कि एक इसमें पूछा हुआ है आपके MCQs में, ठीक है ना। फिर प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, ये सब आपके हैं। फिर बेनिफिट्स भी पूछ सकता है, ठीक है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो ये मैं वहाँ पे जॉट नहीं करूँगा, बट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग 2 मार्क के लिए पूछ सकता है, या 1 मार्क के लिए पूछ सकता है आपको, क्योंकि ऐसा 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ IoT एंड बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर वॉट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसा ही पूछ सकता है। तो वो 1 मार्क का, ये 1 मार्क का। अभी आ गया एक मेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो इधर क्या आ जाएगा क्वेश्चन, राइट है, ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है एक्चुअली, ओके, इसमें से 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है आपके, ठीक है,
आप लोग देख सकते हो, राइट ए नोट ऑन AI और उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज जो भी है वो दे दो आप, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, फिर यू कैन से डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे मेन तो डिसएडवांटेज कॉस्ट ही है, पैसा ही ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि रोबोट्स वगैरह अगर मैन को, अगर ह्यूमन इंटर जो ह्यूमन मैन है वो जो काम कर रहे हैं उसके जगह में अगर रोबोट्स आ गया तो जाहिर सी बात है लोगों को नौकरियाँ कम हो जाएंगी फिर, ठीक है। तो ये था आपका AI एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये एक इम्पॉर्टेंट बन सकता है आपको, ठीक है। फिर आ गया लास्ट क्वेश्चन आपको 5G और उसके एप्लीकेशंस, ठीक है ना। ये देखो इसमें 7 क्वेश्चंस बन गए, नोट अबाउट 5G, ओके, 5G के बारे में लिखना। ये तो एकदम फास्टर एप्लीकेशन के हिसाब से, तो ये देखो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ये फिलअप में पूछ सकता है आपको। और ये कौन सा जनरेशन है? 5th जनरेशन है किसका? सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी का, जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी होता है, मोबाइल फोन्स का टेक्नोलॉजी होता है वो सब, ठीक है ना। और कितना ये करेगा वो मिलीमीटर वेव्स वगैरह, रेडियो स्पेक्ट्रम्स वगैरह करता है, जो कि हायर फ्रीक्वेंसीज का होता है, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये देखो यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है पूरा, किसके किसके लिए, फीचर्स देखो, फीचर्स ऑफ 5G, ये पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है व्हाट इज 5G एंड फीचर्स ऑफ 5G, ठीक है। तो ये आप फीचर्स पता, मल्टीपल फास्टर है, रिड्यूस्ड ऐप लोड टाइम है, रिड्यूस वेबसाइट लोड, मतलब सब स्पीड ज़्यादा है तो रिड्यूस करेगा टाइम आपका लोड होने में, वही सब है। फिर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर वगैरह वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह दिया हुआ है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही था आपका ये चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंस, एकदम छोटा चैप्टर है, पर देखो यहाँ पे 6 to 7 क्वेश्चंस बन गया, मतलब जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, एक AI के ऊपर, एक 5G के ऊपर और एक IoT के ऊपर, वैसा देखा था तो 4 टॉपिक्स के ऊपर 4 क्वेश्चन बनते, पर उसमें भी बाइफर्केशन कर लिया तो और एक दो क्वेश्चंस बढ़ जाते। यहाँ पे जैसे कि मैं बोलते रहता हूँ कि समरी के इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी देख लो, जैसे IoT क्या होता है, फिर AI क्या होता है, फुल फॉर्म्स पूछते हैं, और 5G क्या होता है, बस इतना, बाकी ये तो नॉर्मल है, यू कैन टेक दिस आउट। फिर बाद में यहाँ पे ये फिलअप्स वगैरह मैंने इसका सोल्यूशन वगैरह दे दिया है, चैनल पे पहले से अपलोड कर दिया बहुत पहले, चाहे तो मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको आई बटन में या एंड स्क्रीन्स में, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। विद एक्सरसाइज सोल्यूशंस मैंने पूरा दिया हुआ है, और इसका भी मैंने सोल्यूशंस दिया हुआ वेब लिंक पे, वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हो, थियोरी का भी दिया हुआ है, ठीक है। सो मैचअप का भी है, फिर ये सब देखो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, सम एप्लीकेशंस, फिर डी अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है, मतलब ये एक टॉपिक का हो गया, फिर ये एक टॉपिक, फिर ये एक टॉपिक और ये एक टॉपिक, मतलब 4 टॉपिक्स हो गए, पर मैंने कि 7 दिए क्वेश्चंस, तो आप वो भी करना है आपको। तो ब्रीफ आइडिया अबाउट AI, उसमें सब आ गया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशंस वगैरह, कंसेप्ट ऑफ 5G, उसमें फीचर्स भी आ गया, 5G भी आ गया, फिर मॉडल्स है, और एक टाइप्स भी देखा था अपन ने, वो इधर नहीं दिया, पर मॉडल्स करो वो इंपॉर्टेंट है, फिर IoT है, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फिर उसका फीचर्स। तो ये सब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। अभी इसके बाद का जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का PHP का जो चैप्टर का है वो मैं इंपॉर्टेंस दूंगा, उसके लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड स्टूडेंट्स में, ठीक है। टिल देन विल सी इन टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ नेक्स्ट इंपॉर्टेंस चैप्टर और नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियोज ऑन IT फिजिक्स और अदर सब्जेक्ट्स। तो टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।